पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं और किसान संगठनों ने विरोध जताया। बता दें, किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भिन्न भिन्न किसान संगठनों ने रतिया शहर में रोष प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसान संगठनों ने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए और रेसलर भर्ती की जाए। इस प्रदर्शन है संयुक्त मोर्चा और सभी किसान नेताओं के आह्वान पर आज का दिन तय किया गया था कि अग्निपथ योजना के खिलाफ जगह जगह राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देना है। उसी के तहत रतिया में आज पगड़ी समाल जट्टा और अन्य संगठन नौजवान सभा सभी ने इकट्ठे होकर आज एसडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना है ताकि इस योजना को जो 4 साल की फौजी कोटे की बनाई है उसको जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए और नौजवानों को अपने हक दिए जाए। आज हम सभी किसान और नौजवान संगठन इकट्ठा होकर जो हमारी ऊपर से काल है कि राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, ये जो 4 साल की भर्ती की योजना लेके आए हैं, ठेका प्रथा जिसको बढ़ाना चाहते हैं, ये आर्मी में बिल्कुल भी देश का नौजवान और किसान इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं चाहते ठेकेदारी प्रथा आर्मी में आए, क्योंकि आर्मी हमारे देश की आन बान और शान है। अगर हमारी आर्मी को ही ठेके पर दे दिया गया तो कल को ये सारा पूरा देश ही ठेके पर दे देंगे। आर्मी में पूरी रेगुलर भर्ती होनी चाहिए और जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं उन नौजवानों को तैयारी के ध्यान में रखते हुए उनकी रेगुलर भर्ती करके इस योजना को